हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम ओरियो शेक बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। सबसे पहले हम ग्लासेस को डेकोरेट कर लेंगे। चॉकलेट सिरप का हम यूज़ करेंगे डेकोरेट करने के लिए। देखिए, सारे ग्लासेस को हमने डेकोरेट कर लिया है। हमने 10 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं और 4 ग्लास हम बनाने जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम 400 ml दूध ले रहे हैं। आपको जितने ग्लासेस बनाने हैं आप उसी के अकॉर्डिंग दूध ले सकते हैं। इसके अंदर हम चीनी और ओरियो बिस्किट्स भी काफ़ी यूज़ करेंगे, जिससे क्वांटिटी में और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दूध लेना है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी का यूज़ करेंगे। 4 चम्मच हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालेंगे, क्योंकि हमें 4 ग्लासेस बनाने हैं। और इसके अंदर ओरियो बिस्किट्स को तोड़ कर डालेंगे, जिससे ये इजीली क्रश हो जाएंगे और इसके अंदर मिल जाएंगे। आइस क्यूब्स भी थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे, जिससे जो हमारा शेक है वो काफ़ी चिल्ड बनेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। शेकर में इसे 2 मिनट के लिए हम शेक करेंगे और चिल्ड ही हम इसे सर्व करेंगे। गर्मियों में ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप किसी भी समय उन्हें बनाकर ये दे सकते हैं। अब हम इन्हें ओरियो क्रंची से सर्व करेंगे, जिसको हमने क्रश कर लिया है ओरियो बिस्किट्स को। सभी ग्लासेस में हम इसे डाल देंगे और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा हम चॉकलेट सिरप भी डाल देंगे। हमारा ओरियो शेक रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।